हेलो स्टूडेंट्स, आज के रैपिड रिवीजन लेक्चर में हम लोग रोटेशन मोशन पढ़ेंगे। ओके, रोटेशन मोशन के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमको सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में सबसे पहला चीज हमको जो पढ़ना पड़ता है वो है कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी यानी क्या? एक ऐसा बॉडी जो अपने ऐसा बॉडी जिसपे फोर्स लगाने के बाद में उसके ऊपर के पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ओके, एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर कितना भी तुमने फोर्स लगा लिया बाहर से तो उसके पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, या फिर जो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। समझ में आया सबको? दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। अब इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, इनर्शिया यानी रेजिस्टेंस। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को तुम रोटेशन में सेट करना चाहो, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तुमको रेजिस्टेंस देगा, उसको हम लोग कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत से आसान शब्दों में समझूंगा, सिर्फ दो मिनट को मैं समझाता हूं। देखो, तुमने बचपन में वो वाला गेम देखा है, एक बच्चे को देखा है, उसने हाथ में लकड़ी लेता था और वो क्या करता था, एक साइकिल के चक्के को बार बार मारता था और वो घुमाते हुए पूरे गांव भर घूमता था। शायद तुमने भी ऐसा किया होगा, है ना? ये गेम देखा है। अब ये गेम में वो जैसी वो चक्के को मार रहा है तो वो चक्का रोटेशन में आ रहा है, ठीक है। अब सपोज अपन ने वो साइकिल के चक्के को रिप्लेस कर दिया किसी ट्रक के चक्के से। किसके चक्के से? ट्रक के चक्के से, ट्रक के टायर से रिप्लेस कर दिया। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या अभी भी उसको उतना ही ताकत लगेगा गोल घुमाने में? नहीं, उससे ज्यादा ताकत लगेगा, क्योंकि उस ट्रक के टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ओके, और साइकिल टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब कम ताकत में साइकिल का चक्का रोटेशन में आ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा ताकत लगेगी ट्रक टायर को रोटेशन में सेट करने की। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब अपन इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज डिफाइंड एज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस कहां से मेजर होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कहां से मेजर होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब ऐसा अगर एक ऑब्जेक्ट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा उसका? एम आर स्क्वायर। यानी सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये डिस्टेंस है r। अब ये पार्टिकल ऐसा गोल घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब ये सपोज m1 है और ये r1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r2, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है m3, उसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3। तो अब ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो इन जनरल अगर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा समेशन m i r i स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 टू m। ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो। समेशन मतलब एडिशन, ये प्लस। ध्यान में आया? ओके, क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर हुआ? ये नोट डाउन करके रख लो सबसे पहला चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक पार्टिकल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है अब ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, एक ही, इसके अलग अलग मासेस है क्या? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
और इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसमें मासेस पूरा कंटिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है। अब कंटिन्यूअस अगर है तो उसमें एक पार्टिकल जिसका मास कितना है dm, छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास कितना है dm और उसका डिस्टेंस लेट अस से r है। उस एक पार्टिकल जिसका मास कितना है dm, उसका डिस्टेंस कितना है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया dm r स्क्वायर। क्या रहेगा dm मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये तो पक्का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन हमको तो पूरे बॉडी के लिए चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लगाएंगे इंटीग्रेशन। क्या लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो ये हो गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए एम आई आर आई स्क्वायर समेशन लगा के, और कंटिन्यूअस बॉडी से इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एस आई यूनिट की बात करते हैं। एस आई यूनिट मास का एस आई यूनिट केजी और डिस्टेंस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। सीजीएस कितना बन गया फटाफट लिख लो फटाफट, इसको मेजरमेंट नहीं करना कहीं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन एम वन एल टू टी जीरो। ठीक है, समझ में। अब किन फैक्टर्स पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच आई डिपेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है शेप साइज एंड मास। किस पे डिपेंड करते हैं, शेप साइज और मास पे। अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस और अलग अलग मास के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। फटाफट नोट डाउन करते चलो, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर पे नहीं डिपेंड करेगा। दूसरा है, दूसरा सॉरी यहां पे शेप साइज एंड मास समझ गया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, मतलब एक्सिस ऑफ मास से। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास अगर यहां पे है और उसका डिस्टेंस है आर वन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया एम आर वन स्क्वायर। अगर मास यहां पे, सपोज ये यहां से उठा के तुमने यहां पे रख दिया और अब डिस्टेंस हो गया आर टू, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया एम आर टू स्क्वायर। बढ़ गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा, आर वन था सॉरी, आर वन था, डिस्टेंस बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अभी मास दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूर तक चला गया मास, ध्यान में है सबको। तीसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं हम लोग, इसी को चेंज करके और रखो। सपोज पहली बार एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे था, मास m1 यहां पे था और इसका डिस्टेंस था 1 मीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m1 into 1 स्क्वायर। ठीक है, फिर बाद में क्या किया अपने, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा के यहां रख दिया, मास को उधर ही रखा ये m1 और ये डिस्टेंस डायरेक्ट हाफ मीटर कर डाला, अलग कर दिया। मतलब क्या चेंज किया हमने, इस बार मास को उधर ही रखा, देखो मास यहां पे था मास यहां पे, लेकिन इस बार हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को सरका दिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m1 into 0.5 स्क्वायर। समझ गए, तो जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को, ध्यान में आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, शेप साइज एंड मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर विद दिस, ओके। तो सेकेंड पार्ट में अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी बॉडी जब रोटेट होती है, ओके सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, इस तरीके का रिजिड बॉडी है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, इसके अबाउट वो गोल घूम रही है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये घूम रही है बॉडी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है काइनेटिक एनर्जी का, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ध्यान में रखना, नोट डाउन करके रख लो। अब इसके डेरिवेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन है फॉर्मूला,
फॉर्मूला याद हो गया सबको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रहेगा आई ओमेगा। आई क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी। समझ में क्लियर? ओके। अब अगर सपोज ये बॉडी को हम लोगों को रोटेट करना है, सपोज ये रोटेट नहीं कर रही थी, सपोज एक और सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कितना है आए, ये घूमे, तो हमने क्या किया इसको बाहर से एक टॉर्क लगाया, टॉर्क क्या लगाया हमने टॉर्क, और इसको गोल घुमाया, गोल घुमाने के बाद में उसमें क्या आया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा क्या है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क लगाने के बाद में इस बॉडी का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा, तो तीसरा फॉर्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटेशन मोशन में तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, कभी कभी यहां पे हम लोग इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मेट में लिख सकते हाँ आई ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते, ठीक है, हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा कितना हो गया एल इंटू ओमेगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, ये भी याद रखो, ठीक है, क्लियर, सबको ध्यान में आया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है बेटा आई ओमेगा। ओके नाउ अब अगर आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ सबसे पहला ग्राफ है ई वर्सेस ओमेगा स्क्वायर का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आई तो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए आई कॉन्स्टेंट रहेगा, सपोज आई कॉन्स्टेंट है, सपोज आई इज कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा का अगर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा, तो ये एक पैराबोला आएगा, पैराबोला काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा, ठीक है, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एल, इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट तो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, और इफ आई इज कॉन्स्टेंट के लिए, आई इज कॉन्स्टेंट के लिए ग्राफ निकालना है, ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सीईटी में, काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के ऊपर, ओके सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एल का ग्राफ जब ओमेगा कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एल का ग्राफ जब आई कॉन्स्टेंट। अब आई वाला इक्वेशन नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और एल का ऐसा इक्वेशन जिसमें आई है वो इक्वेशन देखना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे इसी इक्वेशन को, देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या लिखेंगे हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, आई से मल्टीप्लाई भी किया आई से डिवाइड भी किया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर बाय आई, हाफ एल स्क्वायर बाय, क्योंकि आई ओमेगा के जगह, आई ओमेगा की जगह हम लोग क्या डालेंगे एल, तो हाफ एल स्क्वायर बाय आई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, अगर आई कांस्टेंट है तो इसीलिए एल स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्क्वायर का ग्राफ कोई भी ध्यान रखना, किसी भी इसमें स्क्वायर अगर आ रहा है एल स्क्वायर तो कर्व आएंगे, देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ऐसा कर्व आएगा पैराबोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं पैराबोला, क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने एक चीज समझा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोलिंग मोशन,
रोलिंग मोशन, रोलिंग, रोटेशन और रोलिंग इन दोनों में फर्क है. ओके, रोटेशन मतलब ये, रोलिंग मतलब ये, समझ रहे हो? मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर जगह पे घूम रहा है तो वो रोटेट कर रहा है, लेकिन वो आगे आगे बढ़ रहा है रोटेट करते, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है? रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है. यानी रोलिंग में वो आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है इस तरीके से. तो हम लोग यहां से एक बार ध्यान में रखेंगे, रोलिंग इज नथिंग बट ट्रांसलेशन. यानी स्ट्रेट लाइन पे जाने वाले मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. रोलिंग का मतलब यहां से हम लोग एक नया इक्वेशन बनेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, अभी के अभी नोट डाउन करो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो उसके ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. क्या होता है उसके ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर. और रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने अभी पढ़ा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन तुम नोट डाउन करके रख लोगे. ये इक्वेशन को मैं थोड़ी देर बाद यूज करूंगा क्योंकि मुझे तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, विच इज रेडियस ऑफ गायरेशन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना. ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है अभी देखो. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अच्छे से बनाता हूं. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ऐसा गोल घूम रहा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मास एम है. ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर. अब हम लोगों ने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को वही रखा और ऑब्जेक्ट हटा दिया हमने, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया. क्या किया हम लोगों ने? ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया एक पॉइंट मास से, यानी उतने ही मास का एक पॉइंट मास कंसिडर किया. क्या कंसिडर किया? पॉइंट मास. और उसको हम लोगों ने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक दूरी पे रखा के. कितने दूरी पे रखा? के. अब मुझे एक बात बताओ, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास कितना है? एम. डिस्टेंस कितना है? के. के के डिस्टेंस पे अगर एम मास को रखोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम के स्क्वायर. वापस से समझाऊंगा, ध्यान से देखना. एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास में जिसका मास था m, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था i, और वो घूम रहा था इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट. ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को हटा दिया लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन को वही रखा. देखो, ऑब्जेक्ट को हटा दिया, हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया एक पॉइंट मास कैपिटल m से, उतने ही मास का एक पॉइंट मास लिया और उसको इस बार k दूरी पे रखा. कहां से? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से. तो बताओ इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम के स्क्वायर, है कि नहीं? अब के कोई एक वैल्यू के लिए, के का कोई तो एक वैल्यू ऐसा रहेगा जिस वक्त एम के स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी? आई के ऊपर एक ही वैल्यू रहेगा. ऐसा के का कोई तो एक ही वैल्यू रहेगा जिस वैल्यू पे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कितना था? एम के स्क्वायर. वो किसके इक्वल रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल रहेगा. तो इस के को उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन. इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, तो यहां से हम लोग एक समझेंगे कि के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो सबसे पहले.
के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एन। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच के डिपेंड्स, के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहला फैक्टर के आई पे डिपेंड कर रहे हैं और आई किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज। तो सबसे पहला फैक्टर है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तुम बोलोगे सर आपने मास नहीं लिखा, बस दो मिनट रुक जाओ मैं समझा दूंगा। के जो है शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। दूसरा फैक्टर जिस पे के डिपेंड कर रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तीसरा फैक्टर जिस पे के डिपेंड कर रहा है वो है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब के डिपेंड कर रहा है इन तीन फैक्टर्स पे। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा होगा, सर के मास पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तुम ये सोच सकते हो कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, अधिकार है तुमको सोचने का, बट ऐसा नहीं है। के डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये एक पॉइंट तुम अभी लिख के रख लो। फैक्टर्स ऑन विच के डज नॉट डिपेंड जिन फैक्टर्स पे के डिपेंड नहीं करता है वो है एक ही, एंड दैट इज मास ऑफ बॉडी। अरे सर क्या गलत बता रहे हो, सर खेत तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना यही सोच रहे हो। अब देखो यहां पे, अगर m डबल हुआ, अगर m डबल हुआ तो I भी डबल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा बॉडी का। इस ऑब्जेक्ट का मास डबल करने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल होगा, मतलब ये दोनों डबल हो जाएंगे, सच दैट टू टू विल गेट कैंसल एंड के विल डज नॉट डिपेंड ऑन मास, दैट इज के इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ध्यान में आया, क्लियर है सबको? तो ये एक फॉर्मूला, और ये एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं यहां पे। अब यहां पे देखो, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह लिखेंगे एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह लिखेंगे v बाय आर। सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर होता है। देखो तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर उसका रेडियस, सपोज उस बॉडी का रेडियस। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, तो अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लो। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे अब तक के तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं, पक्का? तो ये ध्यान में रख लो। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पढ़ेंगे। ओके, कुछ बॉडीज के, वो कुछ बॉडीज हैं, सबसे पहला रिंग, दूसरा है डिस्क। ठीक है, रिंग के बजाय हॉलो सिलेंडर भी चलेगा, अभी सिर्फ लिख के रख लो, और डिस्क के बजाय सॉलिड सिलेंडर भी चलेगा। तीसरा है हॉलो स्फीयर,
और चौथा है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इन चारों के लिए मैं आई के वैल्यूज लिखूंगा, वो याद रखना। यहां पे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये रिंग है जिसका रेडियस कितना है आर और जिसका मास है एम। आर उस रिंग का रेडियस है, एम उसका मास है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय टू, ये डिस्क है। होलोस्फीयर जिसका मास है एम और जिसका रेडियस है आर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर, जिसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। और सॉलिड स्फीयर जिसका मास है एम, अगेन जिसका रेडियस है आर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये चार मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना। अब एक फॉर्मूला जो मैं यहां यूज करूंगा वो है के का अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, और आई के जगह ये वैल्यू डालूंगा, ये एक दो तीन और चार, और इन सब के लिए मैं के की वैल्यू लिख लूंगा। सबसे पहले के इसके लिए, अगर मैं यहां पे कि आई के जगह एम आर स्क्वायर डालूंगा तो एम एम कट हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर, रूट के अंदर आर स्क्वायर यानी आर, इसके लिए के आ जाएगा आर बाय रूट टू, इसके लिए के आएगा रूट टू बाय थ्री रूट के बाहर आर, और इसके लिए के आ जाएगा रूट टू बाय फाइव आर। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी याद रख लो इसके लिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसी से आएगा, यह आएगा वन, यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साथ ही साथ लिखते चलो आप भी वन बाय टू, यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू बाय थ्री, और यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू बाय फाइव। समझ में आया सबको, ये वैल्यू रखना है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के याद। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका भी आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में हम लोग क्या करने वाले, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का भी वैल्यू निकाला, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसका वन है, तो इसका आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका कितना आएगा वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, हाफ एम वी स्क्वायर को वन बाय टू से, तो कितना आ जाएगा वन बाय फोर एम वी स्क्वायर, इसका कितना आएगा इसको टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा वन बाय थ्री एम वी स्क्वायर, और इसको टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका आ जाएगा वन बाय फाइव एम वी स्क्वायर। ओके, समझ में आया सबको। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, रोलिंग में इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दैट इज इक्वल टू रोलिंग, दोनों को ऐड किया तो एम वी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा टू टू सर थ्री बाय फोर एम वी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया फाइव बाय सिक्स एम वी स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड किया 7/10 एम वी स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल। अब देखो यहां पे तुमको क्या पूछते देखना, जो मैं लिख रहा हूं इसके तरफ ध्यान देना, मैं यहां लिखता हूं फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी That is translational kinetic energy. ऐसा लिखते क्वेश्चन में, वॉट फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन ऐसा है,
what fraction of rolling kinetic energy is translational kinetic energy? समझ रहे हो? What fraction of rolling kinetic energy is translational kinetic energy? Fraction of पूछने के बाद में भाई आ गया ये numerator upon denominator. Fraction किसका पूछा है? What fraction of rolling kinetic energy? यानी नीचे में आएगा rolling kinetic energy. Is translational kinetic energy. ऊपर आएगा कि ये translational. ये पूछेंगे. समझ में? तो बस इसको और इसको डिवाइड करना है. हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 1/2. इसको और इसको डिवाइड करना है. ओके, तो इसको इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2/3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1/2 4/3 2/3. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 6/5, मतलब इसका आ गया 3/5. और इन दोनों को डिवाइड किया 1/2 10/7 5/7. ठीक है, ये रेशियो. अगर परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 याद रखना. तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी ब्रैकेट में लिख दो. कैलकुलेटर है बस उसने इसका तो लिख के दे देता हूं. 50% आएगा इसका, 66.67% आएगा. तो कैलकुलेट कर लेंगे, 60% आ जाएगा इसका. ओके, और इसका कितना आएगा? 500 upon 7 7 7 49 10 7 7 3 0. तो 71.4% आ जाएगा इसका. 7 49 10 7 7. ठीक है, ये परसेंटेज लिख के रखेंगे. अब अगेन एज आई रिपीट कि तुमको बोलेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज रोटेटिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्या पूछेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. अब कुछ नहीं, यहां पे तुमको इन दोनों को डिवाइड करना है. इन दोनों को डिवाइड करना है तो उन दोनों को डिवाइड करोगे, यहां पे 1/2 आएगा, 50% आएगा आंसर उसका. इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/3 आएगा, तो इसका 33.33% आएगा. इन दोनों को डिवाइड किया तो इसका आ जाएगा 2/5, 40% आएगा उसका आंसर. और इन दोनों को डिवाइड किया तो आ जाएगा 2/7, जो कि आएगा 29.6%. समझ में आया सबको? तो ये बात ध्यान में रख लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है रोलिंग मोशन के लिए. ओके, यहां से चालू करना है, ये सब लिख लेना. उसके नीचे मैं सजेस्ट करूंगा, देखो क्या ये लिखा, इसके नीचे डायग्राम्स, इसके नीचे आए, और फिर पूरा ऐसा टेबल बना दे. चलो ओके, ये टेबल आपको सीईटी के पहले पढ़ना. क्लियर? सभी को ध्यान में आया ये कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या? ये इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा. यहां से एक ऑब्जेक्ट को तुमने रोल करते हुए छोड़ा, यहां पे या ऐसा यहां आएगा और यहां इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई, तो उसने रोल करके आया और उसकी h हाइट है और ये जो लेंथ है पूरा ये s है, s लेंथ है, ये h है. ओके, तो साइन थीटा समझ में आ गया यहां पे, h बाय s. साइन थीटा इज h बाय s. रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एम जी एच. ठीक है, अब ये जो है रोल करते करते यहां पे आया, जमीन पे पहुंच गया, जमीन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + a² / r². क्या समझे इससे? कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होके किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई ये कहां से आई होगी? पोटेंशियल एनर्जी से। यानी इसका मतलब क्या है, एम जी एच दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम एम कैंसल, टू यहां पे, टू जी एच और वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर उसके नीचे यहां पे, ये हो गया वी स्क्वायर। और तुम्हारा बन गया पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेलोसिटी का, अंडर रूट ऑफ टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, रोल करते आया तो मतलब विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप यानी घसीटना, ओके घसीटना, रोल यानी सब गोल घूमना, ओके। अब अगर स्लिप हो रहा है, रोल नहीं हो रहा है, इट इज नॉट रोलिंग, इट इज जस्ट स्लिपिंग। बेटा सोने वाला स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग। तो इस केस में फर्क कहां गिरेगा, प्रॉब्लम में फर्क सिर्फ यही गिरेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी तुमको लेना पड़ेगा जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाली टर्म उड़ जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म तभी आती है जब रोल होता है। अब कुछ नहीं है, घसीटते घसीटते ऐसा है, सीधा सीधा घसीटते आ रहे, गोल घूम ही नहीं रहा है, वो ऐसा जा रहा है, तो उसमें रोटेशन रहा ही नहीं, रोटेशन नहीं रहा, रोलिंग भी नहीं रहा, रोटेशन रोलिंग दोनों खत्म हो गए, किसमें, विदाउट रोलिंग में, ओनली स्लिपिंग। तो उस केस में वो वेलोसिटी जो है वो आ जाएंगे अंडर रूट टू जी एच, ये वाली जो तुमको पूछा रूट टू जी एच, सिंपल, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सिर्फ स्लिपिंग दैट इज अंडर रूट ऑफ टू जी एच। ठीक है, अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, तुम भी याद करके रख लो, जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर सबको, कोई डाउट किसी को? अब टाइम, टाइम कितना लगाने के लिए, टाइम, ओके टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे वेलोसिटी वी है, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, ओके तो टाइम के लिए क्या, और डिस्टेंस एस है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी टी टाइम, ओके। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी यू कितना है यहां पे, जीरो, तो एस का वैल्यू कितना हो गया यहां से, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ टू एस अपॉन ए, अंडर रूट ऑफ टू एस अपॉन ए, अंडर रूट ऑफ टू एस अपॉन ए के जगह जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन g साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। तो एक काम करो, सबसे पहला फॉर्मूला ये नोट डाउन करेंगे, दूसरा फॉर्मूला ये नोट डाउन करेंगे, ये बाद में लिखेंगे हम लोग, और तीसरा फॉर्मूला ये नोट डाउन करेंगे। अभी फिलहाल रोलिंग डाउन है, इंक्लाइन प्लेन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट रोल करके आ रहा है एच हाइट, क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एस अपॉन जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है,
अब हमारे ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने कंसिडर किए थे वो रिंग कंसिडर किया था, रिंग के जगह हॉलो सिलेंडर भी चलता है, दूसरा था डिस्क, डिस्क के जगह सॉलिड सिलेंडर चलता है, तीसरा था हॉलो स्फीयर और चौथा था सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इन सब के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू मालूम था आपको, इसका वन था 1/2, 2/3, 2/5। ठीक है, सारे वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे। ओके, तो सबसे पहला लाइन इसके लिए, रिंग के लिए, रिंग के लिए वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh/2 आएगा, तो सॉल्व करोगे तो अंडर रूट gh आएगा। इसके लिए g कितना आएगा सॉरी एक्सेलरेशन a कितना आएगा, g sin theta अपॉन 1+k² / r² 1+1, यानी आ जाएगा g sin theta अपॉन 2। और इसके लिए टाइम कितना आएगा, 1+k² / r² की जगह कितना डालेंगे हम लोग, 1+k² / r² की जगह 1, 1+1 2, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4s/g sin थीटा। ये लिख लो रिंग के लिए। ठीक है, दूसरा डिस्क के लिए, डिस्क के लिए कितना आएगा, 1+k² / r² की जगह 1/2 डाला, 1+1/2, तो ये हो गया 2+1 3, 3 2 पर चला गया, तो अंडर रूट ऑफ 4/3 gh। ओके, एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1+1/2, तो ये आ जाएगा 2/3 g sin थीटा। और टाइम कितना आएगा यहां पे, 1+1k² / r² 1+1/2, तो दैट इज 3 ऊपर आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3s/g sin थीटा। ठीक है, अब आते तीसरे वाले पे, तीसरा कौन सा है हमारा, होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के लिए k² / r² कितना डालना है, 2/3, यहां पे डालना है आपको 2/3, तो यह आ जाएगा 1+2/3, तो 1+k² / r² दैट इज इक्वल टू 1+2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3, तो यहां पे 5/3 डाला हम लोगों ने, 5/3, 3 ऊपर चला गया, तो बन गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh/5/3, तो ये हो गया 6/5 gh। ओके, एक्सेलरेशन कितना बन गया, g sin थीटा अपॉन 5/3, यानी हो गया 3/5 g sin थीटा। ठीक है, और टाइम कितना हो गया यहां पे, 2s g sin थीटा × 5/3, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 10s, है ना, 1+5/3, सॉरी हाँ सॉरी 1+5/3 है, 5/3, तो 10s/3g sin थीटा। ठीक है, अब ये सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए वेलोसिटी, अब 1+k² / r² तो दैट इज 1+2/5, तो 5 2, ये हो गया 7/5। ठीक है, तो 1+k² / r² के जगह डालेंगे हम लोग 7/5, इसके जगह 7/5 डाला, 5 ऊपर चला गया, तो अंडर रूट ऑफ 10 gh/7। एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5g sin थीटा/7, और टाइम कितना आएगा, 7/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ कितना, 14s/5g sin थीटा। ठीक है, तो ये टेबल तुम लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। ओके ओके, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि अगर सभी बॉडीज को एक साथ में ऊपर से छोड़ा तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, सबसे पहले नीचे वही आएगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, सबसे पहले नीचे वही आएगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, या फिर टाइम सबसे कम रहेगा। अब एक्सेलरेशन ज्यादा किसका है, अब देखो एक्सेलरेशन के इसमें सब में तुमको जी साइन थीटा तो दिख रहा है, एंड जी साइन थीटा सब में कॉमन है। अब एक काम करेंगे हम लोग, उसके आगे वाले नंबर का लिखेंगे, 1/2 यानी 0.5, 2/3 यानी 0.67, 3/5 यानी 0.6, 5/7 यानी कितना आएगा, 0.6
7:1। यानी सबसे ज्यादा जी साइन थीटा के पहले नंबर किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे पहले आएगा सॉलिड स्फीयर, उसके बाद में आएगा 6:7 ये वाला मतलब डिस्क, उसके बाद में आएगा हॉलो स्फीयर, और उसके बाद में आएगा सॉरी रिंग। ठीक है, समझ में आया सबको? तो सबसे पहले अगर चारों ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से छोड़ा तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, सबसे रिंग, सबसे एंड में रिंग। लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसको टाइम कम लगेगा, तो टाइम अगर ज्यादा किसको लगेगा पूछा? टाइम, तो उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को, उससे कम टाइम लगेगा हॉलो स्फीयर को, उससे कम टाइम लगेगा डिस्क को, और सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को। सबसे पहले नीचे आएंगे ये ऑर्डर में, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा ये ऑर्डर में। सभी को क्लियर हुआ? सो वेरी सिंपल। सो ये था सब रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन में इतना ही है, इतना ही ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब हम लोगों को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में कोई भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। यहां पे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ में। अब इसके हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन सिलेबस में बोर्ड्स के था, यहां पे नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सबसे पहले स्टार्ट होगा रॉड से। एक रॉड जिसका मास है m, जिसका लेंथ है l, अब उसका सबसे पहली बार एक्सिस यहां से जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, अब जब दूसरे बार अगर एक्सिस यहां से गया कॉर्नर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ये ग्रीन के लिए ग्रीन कलर में लिखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल स्क्वायर बाय 3। तीसरे बार एक्सिस सपोज यहां से गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 7 ml² / 48। मैंने एक ही चीज सिखाई, इसको याद करके रख लो स्ट्रेट कर। अब इसके डेरिवेशन में मत दो, इसको याद करके रख लो भाई। रॉड के लिए सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर से जा रहा है या रॉड के बीच से जा रहा है तो ml² / 12। रॉड के एक एंड से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है मतलब रॉड या ऐसा घूम रहा है, पूरा ऐसा घूम रहा है या ऐसा पूरा गोल घूम रहा है, तो कितना ml² / 3। और अगर सेंटर और एंड के मिड पॉइंट से, सेंटर और एंड के मिड पॉइंट से जा रहे हैं तो 7 ml² / 48। क्लियर विद दिस? कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं, ओके। देन अब बारी आती है रिंग की। ओके, रिंग, तो रिंग के लिए सबसे पहली बार एक्सिस जो है वो सेंटर से, तो सेंटर के लिए ml². ठीक है, अब अगर हम लोग यहां से बोले टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ट्वाइस ml². ठीक है, तीसरा थ्रू डायमीटर, थ्रू डायमीटर, ये डायमीटर से थ्रू डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml² / 2। थ्रू डायमीटर कितना? रिंग के लिए ml² / 2। एंड लास्ट में टेंजेंट, टेंजेंट इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ रिंग, तो वो हो गया कितना आएगा 2/3 ml². समझ में आया?
चारों वैल्यूज याद रखना है, क्लियर? ओके, अब डिस्क के लिए, अगेन डिस्क के लिए भी सेम एक्सेसेस रहेंगी। अगर डिस्क के सेंटर से जा रहा है तो एम आर स्क्वायर बाय टू। दूसरा एक्सिस कौन सा है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो कितना एंगल है? एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, यहां पे सॉरी ठीक है, यहां पे हम लोग फॉर्मूला गलत लिख लिए, वहां का फॉर्मूला चेंज कर दो, वहां पे 3/2 एम आर स्क्वायर आएगा। हाँ, अब तीसरा क्या आएगा? डायमीटर, डायमीटर के लिए एम आर स्क्वायर बाय 4। और चौथा टेंजेंट इन द प्लेन, ये जो अपनी पिंक लाइन है ना, दैट इज टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट इन द प्लेन, तो वो आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। समझ में क्लियर? अब होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के सेंटर से हमको मालूम है 2/3 एम आर स्क्वायर, ओके, और टेंजेंट के लिए 5/3 एम आर स्क्वायर। इसमें दो ही है, डायमीटर वायमीटर नहीं है, डायमीटर के अबाउट भी यही है, ठीक है। फिर आता है सॉलिड स्फीयर, ओके, सॉलिड स्फीयर के लिए भी सेम दो एक्सिस रहेंगी, एक ये, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 एम आर स्क्वायर। और दूसरा है टेंजेंट वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट है, वो है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर यानी क्या है? रिंग्स एक के ऊपर एक रखे, रिंग्स को अगर एक के ऊपर एक रखें तो हॉलो सिलेंडर बनते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो रिंग का रहेगा एम आर स्क्वायर। और दूसरा है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी क्या है? डिस्क अगर एक के ऊपर एक रखे, अपन ये देखो इस तरीके से डिस्क एक के ऊपर एक रखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना रहेगा? जो डिस्क का रहेगा, और डिस्क का कितना है? एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है। लेकिन अगर हॉलो सिलेंडर ऐसा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है, पिछले बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा था, इसमें भी ऐसा था, सेंटर से जा रहा, अब ये ऐसा है तो यहां पे एक इमेजिन करो, यहां पे एक रिंग है, तो ये जो एक्सिस हो गया ये उसके, सॉरी, ये उसके डायमीटर के अबाउट हो गया, और रिंग के लिए, रिंग के लिए अबाउट डायमीटर कितना होता है? सॉरी, अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 2, ये डायमीटर के अबाउट, ओके। यहां पे थ्रू सेंटर ऑफ मास टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये अबाउट डायमीटर, ये ऊपर लिख लेना है, और ये टेंजेंट इन द प्लेन, सेम इसके लिए लिखना है, ठीक है। तो डायमीटर में यहां पे कितना आएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2, इसका रेडियस है आर, लेकिन ये लेंथ एल भी है, और ये रॉड की जैसा बिहेव कर रहा है, किसके जैसा बिहेव कर रहा है? रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एड हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। समझ गए इसमें, इसमें रॉड के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए एम एल स्क्वायर बाय 12। और अगर सॉलिड सिलेंडर अगर ऐसा है तो यहां पे एक डिस्क रहेगी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक डिस्क के डायमीटर के अबाउट जा रहा है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? डिस्क के डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक रॉड के जैसा भी तो बिहेव कर रही है, तो रॉड के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12।
तो सारे डायग्राम्स बना लो, नोट डाउन करके रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है, क्लियर? ओके, सो कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जैसे फोर्स जो होता है डीपी बाय डीटी होता है, लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, वैसे टॉर्क होता है डीएल बाय डीटी. तो ये हो गया टॉर्क और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम. इसका डेरिवेशन नहीं है, हम लोग अभी डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे, फॉर्मूला पढ़ रहे, ठीक है? अब अगर एल कॉन्स्टेंट है, ओके सपोज सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अगर टॉर्क जीरो है इसका मतलब डीएल बाय डीटी भी जीरो हो जाएगा. अगर टॉर्क जीरो है तो डीएल बाय डीटी जीरो, डीएल बाय डीटी जीरो इसका मतलब एल कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ना, क्योंकि किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका मतलब एल कॉन्स्टेंट होना चाहिए. यानी जब जब भी बाहर से टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट और आई ओमेगा कॉन्स्टेंट यानी आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू या फिर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी या फिर ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब जब भी ओमेगा बढ़ेगा तब तब भी आई कम होगा, जब जब भी आई बढ़ेगा तब तब भी ओमेगा कम होगा. ओके, क्लियर विद दिस? तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये सारा नोट डाउन करके रख लो, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स जो अपने टेक्स्ट बुक के सिर्फ वही प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स. अगेन आई रिपीट, इसके लिए तो टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स ही प्रैक्टिस करके जाना है. ओके, सो दैट्स व्हाट दैट वाज ऑल अबाउट अवर चैप्टर रोटेशनल मोशन.